सूर्य कुमार यादव को खरीदना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, लगा डाली सूर्या पर करोड़ों की बोली। किसी ने सूर्या को दूसरे ग्रह का बताया, किसी ने सूर्या की बैटिंग को कंप्यूटर गेम जैसी बताया। सूर्य कुमार अपनी जिंदगी की उस फॉर्म से गुजर रहा है जिसके बारे में हर खिलाड़ी सोचता है। इस समय सूर्य कुमार यादव गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बने हुए हैं। कई क्रिकेटर्स का ये मानना है कि सूर्य कुमार जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी टीम इंडिया के स्टार सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है। सूर्य कुमार यादव ने 20 नवंबर को बे ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाते हुए अपना दूसरा T20 शतक जड़ दिया था। सूर्या की 51 गेंदों में नाबाद 111 रन की पारी ने भारत को 65 रन से जीत दिलाई। सूर्या कुमार यादव के स्कोर और बाकी बल्लेबाजों के स्कोर के बीच का अंतर देखकर ना सिर्फ मैक्सवेल बल्कि हर कोई हैरान रह गया। मैक्सवेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सूर्या की जमकर तारीफ की और कहा, मुझे नहीं पता था कि भारत न्यूजीलैंड खेल चल रहा था, लेकिन मैंने बाद में स्कोर कार्ड देखा और एरोन फिंच को उसकी तस्वीर भेजी और कहा, ये आदमी क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से अलग ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहा है। दूसरों का स्कोर देखो और सूर्या का देखो, सूर्या ने 50 गेंदों में 111 रन ठोके हैं। मैंने अगले दिन पारी का रिप्ले देखा और ये हैरान कर देने वाला था, सूर्या हर किसी से बहुत बेहतर है, उसको रोकना लगभग कठिन है, वो हमारे पास मौजूद किसी भी खिलाड़ी से बेहतर है। कोई भी टीम ऐसे अविश्वसनीय खिलाड़ी का खर्च उठाना चाहेगी लेकिन उठा नहीं पाएगी, मैक्सवेल ने कहा। हम बिग बैश लीग में सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहते हैं, लेकिन हम सूर्या का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो। हमें सभी प्लेयर्स को बाहर करना होगा, पैसा बचाना होगा और फिर उम्मीद करेंगे कि इससे सूर्या सहमत होंगे। भारत बहुत भाग्यशाली है, उसके पास सूर्या जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। सूर्या को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या सूर्या को BBL में खेलने के लिए जाना चाहिए? कमेंट करके आपकी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।